हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सनस्क्रीन जो कि बहुत ज़रूरी होती है, लेकिन हम लोग सोचते हैं कि नहीं, सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तो हमारी स्किन ख़राब हो जाएगी, लेकिन नहीं, सनस्क्रीन यूज़ करना चाहिए। जब स्किन केयर रूटीन करते हैं तो हमारी स्किन के पोर्स जो हैं वो ओपन हो जाते हैं, नई स्किन ऊपर आती है जो कि जल्दी डैमेज होती है। तो हम अगर स्किन केयर करते हैं डेली, तो फिर हमें डेली सनस्क्रीन भी लगाना चाहिए। आप जब भी बाहर जाते हैं तो आप ज़रूर ज़रूर सनस्क्रीन लगाएं। आप यूज़ नहीं करते हैं सनस्क्रीन, तो पहले तो आप सनस्क्रीन यूज़ करना शुरू करें, क्योंकि सनस्क्रीन यूज़ करेंगे तभी फ़ायदा है इन सब चीज़ों का, फेस पैक और जो भी हम क्रीम्स होममेड बनाते हैं लगाते हैं वो फ़ायदा तो करती हैं। लेकिन हम बाहर जाएंगे खुले में, सन के एक्सपोज में आएंगे, और फिर हमारी स्किन उससे ज़्यादा डैमेज हो जाएगी, काली हो जाएगी, झुर्रियाँ आ जाएंगी, तो फिर वो बेनिफिट की बजाय बेकार हो जाएगा। तो इसलिए सनस्क्रीन ज़रूर यूज़ करनी चाहिए। लेकिन कौन सी सनस्क्रीन यूज़ कर रहे हैं ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। सनस्क्रीन में बहुत सारे केमिकल होते हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है। तो हमें सिलिकॉन, पैराबिन, मिनरल ऑयल और कलर फ्री सनस्क्रीन हमें यूज़ करनी चाहिए, जो कि आयुर्वेदिक हो। सनस्क्रीन हम घर में भी बना सकते हैं, वो भी हम आगे वीडियो में बताएंगे कि घर में सनस्क्रीन कैसे बनाएंगे। अभी हम घर में नहीं बनाना बता रहे हैं, अभी हम आपको बता रहे हैं कि आप बाज़ार से कौन सी सनस्क्रीन लेके यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, ये है सनस्क्रीन वाओ की। वाओ की सनस्क्रीन है ये, पैराबिन, सिलिकॉन, मिनरल ऑयल और कलर फ्री सनस्क्रीन है, और ये वाटर है। वाओ का सनस्क्रीन वाटर है, ये चिपचिप नहीं करेगा। ऑयली स्किन, ड्राई स्किन, सेंसिटिव स्किन, सभी स्किन के लोग इसको लगा सकते हैं। पहले आप इसको पैच टेस्ट कर लेंगे गर्दन में लगा के, वैसे सबको ही सूट करती है, लेकिन कोई भी चीज़ अगर आप पहली बार अपने फेस पे लगाने जा रहे हैं तो उसका पैच टेस्ट ज़रूर करें। बिना पैच टेस्ट किए नहीं यूज़ करना है आप लोगों को। इसमें कैरेट सीड एक्सट्रैक्ट है, जो कि एजिंग के लिए बहुत अच्छा होता है। चेहरे पे एजिंग आ रही, फाइन लाइन हो रही हैं, रिंकल हो रहे हैं, उसके लिए कैरेट सीड बहुत ही अच्छा है, वो एजिंग को स्लो करता है। तो एवोकाडो ऑयल है, एवोकाडो ऑयल जो कि नेचुरल सन ब्लॉक होता है, यूवी ए यूवी बी से प्रोटेक्ट करता है, और बादाम का ऑयल भी है। आलमंड ऑयल में भी नेचुरल सन ब्लॉक होता है, और रेसबेरी एक्सट्रैक्ट भी है इसमें, जो कि स्किन को डैमेज होने से बचाता है और रिपेयर भी करता है। एवोकाडो ऑयल टैनिंग नहीं होने देता है, सन से जो टैनिंग हो जाती है उस टैनिंग को नहीं होने देता है। इसमें SPF 30 है, जो कि बहुत अच्छा है। SPF 30 से 40 तक लगाना चाहिए हमको, जो कि 3 से 4 घंटे तक प्रोटेक्शन देता है। और ये एक वाटर स्प्रे है, 3-4 घंटे हो गया है सनस्क्रीन लगाए, तो आप इसको स्प्रे कर सकते हैं। इसको आप लोग मेकअप के ऊपर भी लगा सकते हैं, वैसे क्रीम लगाने के बाद भी लगा सकते हैं, लेकिन मेकअप फिक्सर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छा रहता है। मेकअप फिक्सर आपके पास नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करना है ये हम दिखाते हैं आपको। पहले यूज़ करने से पहले इसको सेक कर लेंगे। अब इसको सूखने देंगे। बाहर जाने से आधा घंटा पहले इसको लगाना है, तुरंत लगा के निकल जाएंगे तो फिर वो सन से प्रोटेक्ट नहीं करेगा। कोई भी सनस्क्रीन लगाने का तरीका यही है कि आधा घंटा पहले आप लगाएं, फिर आप बाहर जाएं। इसको आप लगा के देखें, यूज़ करके देखें, बहुत ही अच्छा है। मैंने लगाया है, बॉटल अब ख़त्म होने पर आ गई है, तो इसलिए बहुत अच्छा है। इसलिए हम आप लोगों को रिकमेंड कर रहे हैं कि आप यूज़ करें। बाकी हम आपके लिए नेचुरल सन ब्लॉक लेके आएंगे, जो आप बेझिझक कोई भी यूज़ कर सकता है। जल्दी इस पे वीडियो बनाएंगे हम। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर क्लिक कर दें, जिससे कि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचें। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।